दोस्तों, आज मैं सतर्कता जागरूकता सप्ताह के बारे में बात करूंगा। सतर्कता जागरूकता सप्ताह हर साल केंद्रीय सतर्कता आयोग के तत्वावधान में मनाया जाता है, जो सरदार पटेल के जन्मदिन के आसपास पड़ता है। सरदार पटेल अत्यंत सत्यनिष्ठ व्यक्ति के रूप में जाने जाते रहे हैं। यह इस साल 31 अक्टूबर से 6 नवंबर के बीच मनाया जा रहा है। भ्रष्टाचार ऐसे व्यक्ति को जो एक प्राधिकार के पद पर आसीन है के द्वारा बेईमानी या अनैतिक आचरण के रूप में खुद या अन्य व्यक्ति को लाभ प्राप्त करने के लिए परिभाषित किया जा सकता है। यह एक ऐसा वैश्विक संकट है जो समाज के हर वर्ग को किसी न किसी रूप में प्रभावित कर रहा है। भ्रष्टाचार, राजनैतिक विकास, लोकतंत्र, आर्थिक विकास, स्वास्थ्य, पर्यावरण, समाज के हर क्षेत्र और हर अंग को प्रभावित, नुकसान या क्षति पहुंचा रहा है। अतः यह आवश्यक है कि जनता को भ्रष्टाचार दूर करने के प्रयासों से जागरूक और प्रोत्साहित करना चाहिए। भ्रष्टाचार की कमी के लिए ई गवर्नेंस प्रक्रिया में प्रणालीगत परिवर्तन, न्यूनतम विवेकाधिकार, कम पब्लिक इंटरफेस, तकनीक आधारित खरीद और ऑटोमेशन आवश्यक हैं। आयोग संगठनों और विभागों को भ्रष्टाचार से लड़ने के लिए उनके कार्यकलापों में पारदर्शिता और उत्तरदायित्व को बढ़ाने के लिए प्रभावी निवारक उपाय पहचानने और उसे लागू करने का आह्वान करता है। सतर्कता सप्ताह 2022 की थीम है भ्रष्टाचार मुक्त भारत और विकसित भारत। सतर्कता जागरूकता सप्ताह का उद्देश्य है भ्रष्टाचार के दुष्प्रभावों के बारे में जनता को व्यापक रूप से जागरूक किया जाए। आज का वीडियो इतना ही। मैं उपेंद्र कुमार सिन्हा, रिटायर्ड सीनियर बैंक ऑडिटर और पेशे से वकील, आप इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। धन्यवाद।